हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्क फ्रॉम होम। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडवांटेजेस। जब हम एडवांटेजेस कर लेंगे तो फिर हम अगले वीडियो में हम लोग डिसएडवांटेजेस करेंगे वर्क फ्रॉम होम का। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि आप हमसे नोट्स परचेस कर सकते हैं बाकी बच्चे एग्जाम्स के, या फिर इस एग्जाम्स के भी अगर आप अभी देने वाले नहीं है, मतलब अभी अगर आपको देने में लाइक बाकी है एग्जाम्स, अभी आपके आने वाले समय में आप देने वाले हो, तो आप डेफिनेटली हमसे नोट्स परचेस कर सकते हो। बहुत ही सस्ते प्राइस पे आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप या फिर कॉल आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे जो विच इज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ वर्क फ्रॉम होम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप घर से काम करते हो, तो उस कल्चर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला होता है ग्रेटर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो इस काम में आपको ग्रेटर इंडिपेंडेंस मिलता है कि बिकॉज आपको किसी ऑफिस में बंद करके काम नहीं करना होता, आप अपने घर पे बैठ करके काम कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, राइट। सो वर्किंग फ्रॉम होम माइट गिव एम्प्लॉइज विद प्रोफेशनल ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस दैट वन मे नॉट हैव इन अ ट्रेडिशनल ऑफिस, है ना। तो वर्किंग फ्रॉम होम जो है एक तरीके से एम्प्लॉइज को एक प्रोफेशनल ऑटोनॉमी देता है कि उनको जो है एकदम वेल ड्रेस होकर के ऑफिस नहीं जाना, ऑफिस के टाइम पीरियड को फॉलो नहीं करना, वहां जाके एकदम कंप्यूटर पे ही घुसे नहीं रहना, लाइक आपके पास चिल आउट करते हुए भी आप काम घर पे बैठ के कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस आपको मिलती है, आपको प्रोफेशनल ऑटोनॉमी से दूर रह करके आपको इंडिपेंडेंस मिलती है, और एक ट्रेडिशनल ऑफिस में जो काम करने का नो एक मेंटल प्रेशर होता है वो भी आपको नहीं झेलना पड़ता है, ठीक है। फर्दर मोर दीज शॉर्ट ऑफ प्रोफेशंस नीड सेल्फ डिसिप्लिन एंड ड्राइव सफिशिएंट टू मैनेज टाइम प्रॉपरली एंड फुलफिल प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस। तो ये बात इसलिए बोली गई है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम का बहाना करके घर पे बैठ के अपना मस्ती कर रहे हैं, काम वहां पर उनका ध्यान नहीं है। तो वही बात बोला गया है कि आपको अपने प्रोफेशन में प्रोफेशनलिज्म लेकर के आना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल होना पड़ेगा अपने काम को लेकर के, है ना। तो इस तरह के जो प्रोफेशन है, यहाँ पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक ड्राइव सफिशिएंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस काम को क्यों करोगे। अगर आपको उस काम को करने को कुछ मिल नहीं रहा तो फिर आप घर पे बैठ के भी उस काम को नहीं करने वाले हो, राइट। तो घर पे बैठ के भी आप उस काम के लिए मोटिवेटेड रहो, उसके लिए एक ड्राइव होना चाहिए, ड्राइव सफिशिएंट होना चाहिए, कोई टॉपिक जिसके जरिए आप जो कि आपको मोटिवेट करे उस काम को करने के लिए। तो सेल्फ डिसिप्लिन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेटर इंडिपेंडेंस, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा था नो कम्यूटिंग टू वर्क, है ना। सो वर्क फ्रॉम होम पोजीशंस अलाउ एम्प्लॉइज टू अवॉइड कम्यूटिंग। यहाँ पे ना आपको बातचीत नहीं करनी, जमावड़ा नहीं हो देना, किसी एक जगह पे जाकर के जमा नहीं होना है, है ना। दे ट्रैवल लेस इफ दे वर्क फ्रॉम होम वन और टू डेज अ वीक, है ना। वो लोग कम ट्रैवल भी करेंगे, कम ट्रैवल करेंगे तो उनको फिर जो स्ट्रेस है वो चीज नहीं होगा, जो कम्यूटिंग होती है वो चीज नहीं होगी, तो उसके लिए आप बहुत इफिशियंटली काम कर पाओगे। तो एक या दो दिन अगर आपको वर्क फ्रॉम होम का मौका मिले तो आपको क्या है कि आपको ट्रैवल कम करना पड़ेगा। तो नो कम्यूटिंग टू वर्क दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है एक्सपेंडिचर। अगर लोग ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में बहुत तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, चाय का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा, जाओ जाओगे तो आप सट्टा पियोगे, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। आपको हर दिन जो है कपड़े अच्छे पहन करके जाने हैं, है ना, तो उसके लिए लॉन्ड्री आपको करना पड़ेगा, लाइक ऐसे भी लॉन्ड्री करने की जरूरत होती है, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो इस तरह की एक्सपेंसेस होती है जो कि आप रिड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्क फ्रॉम होम कल्चर, राइट। सो दिस एडवांटेज हैज पोटेंशियली टू हैव अ वाइड रेंज इम्पैक्ट, इसका बहुत ही वाइड रेंज इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बाई एलिमिनेटिंग कम्यूटिंग वन मे सेव मनी ऑन गैसेस ट्रांसपोर्टेशन। देखो गैस के ऊपर जो खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो खर्चा होगा वो बचा सकता है वहां से। टेली कम्यूटिंग कैन ऑल्सो हेल्प सेव मनी थिंग्स लाइक वर्क क्लोथ, लंचेस, है ना, एंड इवन चाइल्ड केयर, है ना। इस तरह की चीजें को जो के ऊपर जो आपको खर्च करना पड़ता है अगर आप जॉब में जाओगे तो वो खर्चे आपके कम हो जाएंगे, कम जाएंगे, एकदम बंद हो जाएंगे एक तरीके से। सो सेविंग मनी ऑन डे टू डे मे बी इज बेसिकली बेनिफिशियल फॉर पेरेंट्स हु वर्क फ्रॉम होम, है ना। तो ये जो पैसे आपके बच रहे हैं ये उन सारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे हो जाते हैं जो कि घर से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपको ऑफिस जाके काम करना पड़ेगा तो फिर ये सारे खर्चे आप नहीं बचा पाओगे, ठीक है। अगर आप घर से करोगे तो आपके ये खर्चे बच जाएंगे, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपका रिड्यूस हो रहा है, तीसरा एडवांटेज। चौथा एडवांटेज है इनहेंस प्रोडक्टिविटी। समटाइम्स ऐसा हो, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है गया है कि अगर आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई रहती है, क्योंकि आप चिल आउट होकर के अपने जोन में बैठ करके इत्मीनान से काम करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप ऑफिस में जाओगे तो वहाँ थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, थोड़ा वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको एक तरह से अफेक्ट करती हैं आपके काम को, पर घर पे बैठ के कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो वर्किंग सोलो इन पीसफुल एटमोस्फेयर में अलाउ एम्प्लॉइज टू बी मोर प्रोडक्टिव, है ना। सोलो अगर आप बैठ के काम कर रहे हो, पीसफुल एटमोस्फेयर में काम कर रहे हो, तो आपके लिए ज्यादा सही होता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू वेरियस थिंग्स, है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे कि यहाँ पे देखो फ्रीडम टू रूम अराउंड द हाउस एंड टेक ब्रेक्स व्हेनेवर, है ना, आप जब चाहो ब्रेक्स ले सकते हो, आपका घर बगल में है, थोड़ा सा चिल आउट करने का मन किया, थोड़ा बाहर चले गए चाय कॉफी पी लिए, मतलब आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल रही है।
being able to take a break from the work when needed might help required to stay motivated and minimize burnout. अब suppose मैं दिन भर अगर computer पे बैठा हुआ हूँ और मुझे जब मर्जी चाहिए मैं यहाँ से उठ करके जा रहा हूँ, थोड़ा सा relax हो जा रहा हूँ, फिर आकर के मैं अपना काम कर रहा हूँ. कहा जाता है कि एक घंटे के काम के बाद कम से कम 10-10 मिनट का बीच में gap होना बहुत important है ना. अगर आप gap लेते हो, quick nap ले लेते हो, थोड़ा अगर लेट जाते हो या बैठे बैठे ही थोड़ा बहुत अगर आप आराम कर लेते हो तो बहुत बेनिफिट वहाँ पे मिलता है, राइट. तो ये बीच बीच का ब्रेक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है. पांचवा है इम्प्रूव टेक्निकल स्किल्स. आपकी टेक्निकल स्किल्स डेफिनेटली बढ़ेगी. ऑफिस पे बैठ के आप काम करोगे, कंप्यूटर पे ही आप काम कर रहे हो, लेकिन ऑनलाइन काम करने का आपके पास यू नो कोई आइडिया नहीं है. लेकिन जब आप चीजें ऑनलाइन आकर के कर रहे हो तो आपको यू नो फोन पे आपको जूम ऐप या गूगल मीट, उनके इंस्ट्रक्शंस, उनके यू नो डिफरेंट जो टैब्स हैं या फिर डिफरेंट जो स्विचेस हैं उनका क्या यूज है, कैसे इस्तेमाल होता है, वो सारी की सारी चीजें आप बहुत ही इजिली कर सकते हो. तो आपका जो टेक्निकल स्किल है वो भी एक तरीके से इम्प्रूव होता है ना, विद द हेल्प ऑफ वर्क फ्रॉम होम कल्चर. सो टेलीकम्यूटिंग फ्रीक्वेंटली नेसेसिटीज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स सच एज ऑनलाइन मीटिंग, कम्युनिकेशन, टीम कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स. Employees can learn technological abilities that would not normally utilize in a physical setting. So physical setting में आप ये सारी चीजें नहीं कर पाते हो, right? आपको physically जाकर के करना पड़ता है, आप online चीजों को नहीं कर सकते. तो आपका जो online skill है, उसमें भी improvement देखने को आता है work from home culture, ठीक है? छठा point है enhanced communication abilities. यहाँ पे communication abilities आपकी बहुत हद तक बढ़ गई हैं. Physical में क्या होता है कि आप उठ करके एक चेयर से दूसरे जगह जाना है किसी को बताने के लिए, यहाँ पे आपने एक मेल डाला या फिर कॉल कर लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली, इसके जरिए आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ही जल्दी से पहुंचा सकते हो. So working from home necessity regular contact between team and management which will most like necessitate more emails, phone calls, है ना. देखो phone के बारे में, phone conversation, video conferences and messaging platform discussions, है ना. Communication abilities will improve using communication tools on a regular basis. तो आप अगर communication tools का इस्तेमाल करोगे तो आपका जो communicating skill है वो भी आपका बहुत बेहतरीन होता जाएगा. तो धीरे धीरे आपका जो communication ability है, जो skill है, वो आपका enhanced होता है और उसका benefit आपको देखने को मिलता है in future, right? तो ये छठा point हो गया. सातवां point है increased work flexibility. यहाँ पे वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, आप जब चाहो काम करो, जब चाहो थोड़ा सा आराम कर लो. यहाँ पे आपको फ्रीडम है ना. आप थोड़ा सा यहाँ पे आड़े टेढ़े बैठ करके भी आप काम कर सकते हो. मैं जैसे अभी स्ट्रेट बैठा हूँ, मुझे अगर मन करेगा तो मैं थोड़ा टेढ़ा होकर के भी बैठ करके आपको पढ़ा सकता हूँ, राइट. कोई मुझे देख नहीं रहा है, घर पे बैठा हूँ, मैं जैसे ही मैं चट्टी पहन के भी बैठ सकता हूँ. सॉरी फॉर माई वर्ड, बट आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, राइट. जब भी मैं घर पे हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है. With most telecommuting jobs, there is a lot of freedom, है ना? Many work from home professions, for example, unaffected by conventional business hours, making it a simpler way to attend life events such as medical checkups. Work from home opportunities may be quite beneficial for parents who work irregular schedules to accommodate their family, है ना? या फिर medical checkup हो गया, फिर कोई life event है, कोई ऐसा event जो कि आपके लिए attend करना बहुत important है. तो work from home में अगर आपको काम, तो आपने वहाँ से suppose थोड़ा सा time निकाल लिया और आप उस लाइफ इवेंट में आप चले गए या फिर मेडिकल चेकअप में चले गए, तो बाद में आकर के आप उस काम को कर सकते हो. यहाँ 24 आवर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जब चाहो अपने हिसाब से आप उस काम को कर पा रहे हो. हालांकि इस केस में भी आपको डेडलाइन फॉलो करना होता है, बट स्टिल यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू चेक एंड यू नो बैलेंस करने का आपके पास पूरा टाइम है. तो वर्क फ्रॉम होम जो अपॉर्चुनिटी है ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो कि एक तरीके से इररेगुलर शेड्यूल जिनका होता है, जो कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, उनके लिए ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है वो बहुत ही सही है ना. आठवां नंबर पॉइंट है नो ऑफिस डिस्ट्रैक्शन. अब अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, कोई गर्लफ्रेंड होगी, कोई बातचीत हो गई, कोई पॉलिटिकल डिबेट हो गया, कुछ भी चीजें हो गई, तो आपका जो है डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और आप ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते. पर अगर आप घर पे काम कर रहे हो तो वैसी कोई दिक्कत आपके साथ नहीं आने वाली. सो व्हेन एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम देयर आर नो वर्कप्लेस डिस्ट्रैक्शन. कोई वर्कप्लेस डिस्ट्रैक्शन नहीं होता क्योंकि आप वर्कप्लेस पे ही नहीं हो, तो डिस्ट्रैक्शन कहां से होगा, राइट. सो ऑफिस नॉइज सच एज कोवर्कर्स कन्वर्सिंग, बातचीत कर रहे हैं कोवर्कर्स, उनके कारण से डिस्ट्रैक्शन होता है. ऑफिस इक्विपमेंट रनिंग, ऑफिस इक्विपमेंट चल रहा है, मशीन चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट यू नो, तो उसके वजह से आता है. फोन रिंग बहुत ज्यादा करता है, उसके वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है. मे बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टिंग इन द वर्क प्लेस, राइट. सो दीज डिस्ट्रैक्शंस डू नॉट एग्जिस्ट इन होम ऑफिस. तो घर में अगर आप ये काम करोगे तो आपको इस तरह का डिस्ट्रैक्शन कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा. कोलैबोरेट अक्रॉस बाउंड्रीज, है ना. Telecommuting can be advantage for multi-divisional corporation with offices all over the world. The capacity to communicate with people from either field might open new opportunities for business growth. This might be advantageous to an employee's career since they will be able to work with a wide range of industry specialists from whom they will be able to learn. है ना?
तो कोलैबोरेटिव अक्रॉस बाउंड्रीज के बारे में बोली जा रही है कि जब आप चीजों को ऑनलाइन करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने देसी और विदेशी दोनों तरह के क्लाइंट्स को आप हैंडल कर रहे हो। यहाँ पे ये भी आपके पास चांसेस है कि आपके जो बाहर के क्लाइंट्स हैं आप उनके साथ ज्यादा कम्युनिकेट करो। जनरली फिजिकल फॉर्म में क्या होता है कि ऊपर के जो बॉसेस होते हैं वही कम्युनिकेट करते हैं, आपको उतना मौका मिल नहीं पाता। बट जब चीजें वर्क फ्रॉम हो रही हैं तो कुछ चीजें वो लोग आपको असाइन कर देंगे, आप घर में बैठ करके इत्मीनान से उनके साथ कम्युनिकेट करो, आप उनके साथ बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हो। तो किसी भी इम्प्लॉय के लिए ये जो कोलैबोरेशन होता है ना बाउंड्री के बियॉन्ड, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और ये उनके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। ये एक एडवांटेज यहाँ पे है। दसवां है रिडक्शन इन वर्क एब्सेंसेस। कई लोग होते हैं ना कि ऑफिस जाते नहीं है ड्यू टू वेरियस रीजंस, कुछ घर का ही कुछ काम हो गया वो लोग नहीं गए, घर में किसी की तबियत खराब हो गई वो लोग नहीं गए, पर अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर होगा तो वो अपने घर का काम निपटा करके घर में बैठ के कभी भी वो काम कर सकता है, राइट। तो ये चीजें हैं जो वो पॉसिबल है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल कल्चर की बात करें, अगर आप ऑफिस नहीं गए तो आपका काम वहीं का वहीं रुका हुआ है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम अगर है तो घर में भले ही आपको काम है पर जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा यू कैन इन्वेस्ट योर रिमेनिंग टाइम इनटू दैट बिजनेस इनटू दैट वर्क, राइट। तो ये एक बेनिफिट होता है। सो रिडक्शन इन वर्क एब्सेंसेस, सो वर्किंग फ्रॉम होम प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैन हेल्प डिक्रीज इन वर्क एब्सेंसेस। वर्किंग फ्रॉम होम कैन मिनिमाइज द नंबर ऑफ डेज वन नीड्स टू टेक ऑफ वेदर दे आर सिक और हैव एन एसेंशियल अपॉइंटमेंट। यही मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये टोटल 10 पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैंने आपको एडवांटेजेस बताए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, इस वीडियो में मैं नहीं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।